Very, very good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss some application problem which is based on the mensuration, in which we are going to use a pair of linear equation in two variable. So let's come to the first problem. First problem is: the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. ठीक है, ये कहते हैं कि रेक्टेंगल की जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी. कब हो जाएगी? इन दैट केस कि व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. लेंथ आपका क्या हो जाता है? 5 यूनिट लेस हो जाए, रिड्यूस हो जाए. और ब्रेथ आपका क्या हो जाए? ब्रेथ आपका 3 यूनिट जो है इंक्रीज कर जाए. और केस नंबर 2 ये कहते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स. अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट ब्रेथ को भी 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, तो कहते हैं कि जो एरिया होती है रेक्टेंगल की वो जो है इंक्रीज कर जाती है 67 स्क्वायर यूनिट्स. तो हम बेसिकली मैथमेटिकली अल्जेब्रिकली देखते हैं कि इसको अल्जेब्रिकली इसको देखते हैं कि क्या चीज़ कही जा रही है. तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड y यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. हमने क्या कंसीडर किया? हमने जो है रेक्टेंगल की जो है लेंथ और ब्रेथ को x और y यूनिट कंसीडर किया. फिर इसके बाद अगर आप यहाँ से देखिए तो एरिया आपकी क्या हो जाती है? एरिया विल बी योर लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा? xy स्क्वायर यूनिट आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी? ये आपकी एरिया हो जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें कही जा रही हैं, केस नंबर फर्स्ट अगर आप देखो तो क्या कहते हैं? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट. अगर हम एरिया की बात करते हैं बेटा, तो एरिया यहाँ से 9xy है. ये कहते हैं कि एरिया जो है क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है बाय विच क्वान्टिटी? बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. कहते हैं कि इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को ये 5 यूनिट रिड्यूस कर दें, लेंथ हमने x कंसीडर की है. और कहते हैं एंड द ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ जो है आपका यहाँ से क्या हो जाए? 3 यूनिट अगर इंक्रीज हो जाए, तो ये कंडीशन बनती है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 अगर आप यहाँ से देखिए तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. पूरी कंडीशन अगर आप देखिए, इन्होंने ये कहा कि अगर लेंथ को ये 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं और ब्रेथ को ये क्या करते हैं? ब्रेथ को ये 3 यूनिट जो है इंक्रीज करते हैं. तो ये आपका लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ये हो गया. तो कहते हैं जो टोटल एरिया आपकी क्या हो जाती है? वो 9 यूनिट क्या हो जाता है? वो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाती है. ओरिजिनल न्यू लेंथ आपकी ये थी, न्यू ब्रेथ आपका ये था, और न्यू एरिया आपका ये था. अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करके क्या करेंगे? एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो हमको मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड दैट टू वेरिएबल विल बी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. तो लेट्स स्टार्ट. एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. फ्रॉम हियर xy विल बी कैंसिल आउट. दिस विल इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, एंड दिस 15 विल बी प्लस 15. And from here you can write that 3x minus 5y is equals to 15 minus 9 means 6. This is your equation number 1. Is it clear beta? अब हम आते हैं condition number 2 पे. Condition number 2 हमने ऐसा लिख दिया. अब अगर आप यहाँ से condition number 2 पे आएँ तो condition number 2 यहाँ से देखिए क्या है. कहते हैं ये कि condition number 2, if we increase the length by 3 units. इन्होंने लेंथ को क्या कर दिया? 3 यूनिट बढ़ा दिया. तो न्यू अगर आप देखिए तो लेंथ, अगर ये फिर से न्यू लेंथ अगर चेक करें तो इन्होंने लेंथ अगर x थी तो जो है लेंथ को कितना यूनिट इंक्रीज किया? 3 यूनिट कंसीडर किया. तो न्यू लेंथ आपकी ये मिल गई. ठीक. और ब्रेथ की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेथ आपकी क्या थी? ओल्ड ब्रेथ आपके पास y थी. और कहते हैं कि ब्रेथ को इन्होंने क्या किया? इंक्रीज किया. कितने यूनिट? 2 यूनिट इंक्रीज किया. तो ये आपका हो गया 2 यूनिट.
तो कहते हैं कि अगर ये वर्क आपने किया, मतलब लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाया, तो कहते हैं द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया हो जाएगा, तो एरिया कहते हैं कि ये, तो एरिया जो है आपका, जो कि क्या था एक्स वाई, वो क्या हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ओल्ड एरिया में जो है, जो आप एक्स वाई था उसमें हमने 67 में प्लस कर दिया, मतलब ये इंक्रीज्ड एरिया मिला, न्यू एरिया मिला। अब यहाँ से अगर आप देखिए, तो हम एरिया अगर फाइंड आउट करें बाय दिस कंडीशन, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला। तो लेंथ इनटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग देखिए, ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया और ये एरिया आपका क्या हो गया, दोनों ही एरिया क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस 67। अब यहाँ से अगर आप देखिए, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक, अब देखिए एक्स वाई इस साइड भी है, एक्स वाई राइट, एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, तो देयर फोर वी विल कैंसिल इट। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिला, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास मिल गया। तो अब आपको सॉल्व करने की टेक्निक पता है किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर सपोज करिए आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो एलिमिनेशन अगर सपोज करिए कि हमको y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में y के कोफिशियंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशियंट 5 है और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशियंट 3 है। तो हम क्या करेंगे, कोफिशियंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम सोचिए इक्वेशन 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 6 18। और अगर इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, तो 5 2 10x एंड प्लस 15y इज इक्वल टू, ये आपको मिल गया दिस वन। अब हम क्या करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आपको क्या मिलेगा, 19x इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये 3, ठीक है, और ये आपको क्या मिल गया, दिस इज योर मिल जाएगा 13, ये आपको मिल गया 2, ठीक है, ये आपको 2 मिला एंड ये आपको मिल गया अगेन 323। एक्स इज इक्वल टू 323/19, तो आई थिंक ये आपको क्या मिल जाएगा, 19 1 19 एंड ये आई थिंक 19 7 133 शायद मिलेगा। जो भी होगा आप इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 17 मिल गया। अब आप क्या करोगे, नाउ मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये 17 3 दिस विल बिकम 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 45 एंड y इज इक्वल टू, दिस माइनस विल बी कैंसिल आउट, 45/5 दिस विल बिकम 9 यूनिट। तो फ्रॉम हियर अगर आप देखना चाहिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिली, यहाँ से आपको मिल गया लेंथ, जो कि लेंथ आपकी जो है, जो कि x यूनिट हमने कंसीडर की थी, वो आपको क्या मिल गया, 17 यूनिट, एंड ब्रेथ जो हमने कंसीडर की थी, y यूनिट था, ब्रेथ आपकी क्या हो गई, दैट विल बिकम 9 यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, यहाँ पे क्वेश्चन में ये रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कही गई है, गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, विथ इज 36 मीटर. ये कहते हैं कि पेरीमीटर का जो है, गार्डन का जो पेरीमीटर है अगर हम उसका हाफ कंसीडर कर लें तो वो कितना मिलता है हमें, 36 मीटर मिलता है. ये कहते हैं फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, इट मीन्स कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन. तो हम कंसीडर कर लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कही गई है. सोल्यूशन पे आते हैं बेटा. लेट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई बी द लेंथ एंड breadth of the rectangular garden respectively. ठीक है, ये कहते हैं कि small x और small y इस garden के जो है length और breadth and means dimensions हैं. तो अगर हम perimeter की बात करें, perimeter of rectangle, तो perimeter of garden, पैरीमीटर की बात करें, पैरीमीटर ऑफ गार्डन, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला अगर आप देखिए तो बेटा क्या होता है, 2 times लेंथ प्लस ब्रेथ. मींस यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 times लेंथ के प्लेस पे एक्स प्लस वाई, आप एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 variables बन जाएंगे. और फिर कहते हैं हाफ द पैरीमीटर ऑफ द गार्डन. ठीक है, पैरीमीटर का अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, 36 मीटर मिलता है. इट मीन्स कि हाफ द पैरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहें तो कहते हैं हाफ द पैरीमीटर, पैरीमीटर को अगर ये हाफ करते हैं तो वो किसके इक्वल मिलता है, 36 के इक्वल मिलता है, 36 मीटर के इक्वल मिलता है. तो हाफ द पैरीमीटर मीन्स 1/2, और पैरीमीटर के प्लेस पे 2 times एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 36 मिला. ये 2 से 2 कैंसिल आउट. दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक, अभी एक कंडीशन और भी है यहाँ पर. कंडीशन आपके पास क्या है, उस गार्डन के बारे में देखिए एक बात और कही गई, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ. अगर हम सपोज करिए कि लेंथ को एक्स कंसीडर किए हैं तो कहते हैं कि जो लेंथ थी वो उसके विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है. ठीक है, कहते हैं 4 ज्यादा है. हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 ज्यादा है. तो दिस विल इंप्लाइज दैट एक्स इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व इट, किस इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिखा, यहीं पे इक्वेशन 1 भी हम लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 36. अब आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाय विच मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एक्स प्लस एक्स दिस विल बिकम 2x, माइनस वाई प्लस वाई विल बी कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम 40. यहाँ से x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, 40/2 मीन्स ये आपको क्या मिल गया, 20 मीटर. 20 मीटर आपको क्या मिल गई, लेंथ ऑफ द गार्डन. अब आप क्या करेंगे, नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 36. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बेटा, एक्स मीन्स लेंथ ऑफ द गार्डन इज योर 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देयरफोर वाई इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20. तो दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, आई थिंक आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा 16. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द गार्डन आपको क्या मिल गया, 20 मीटर, और जो है ब्रेथ ऑफ द गार्डन जो आपको मिल गया वो गया आपको 16 मीटर मिल गया. ये आपके डायमेंशन ऑफ द गार्डन थे. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय डिग्रीज. ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो जो है लोअर क्लासेस में यू हैव स्टडीड अबाउट कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ टू गिवन टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो हमने कंसिडर किया कि लेट एक्स एंड वाई डिग्री बी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. हमने क्या कंसिडर किया, x और y डिग्री को हमने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कंसीडर किए कि सिंस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देयरफोर यहाँ से क्या हो जाएगा,
एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री. तो ये कंडीशन नंबर वन हो गई. हमने सपोज कर लिया कि लेट अस सपोज हमने किया कि एंगल एक्स इज ग्रेटर देन एंगल वाई. एंगल एक्स को हमने एंगल वाई से ग्रेटर कंसीडर कर लिया. ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल्स में से जो सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा है, दैट इज हमने एक्स कंसीडर किया है, वो जो है स्मॉलर से क्या करता है, 18 डिग्री एक्सीड करता है. वो स्मॉलर से क्या करता है, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या करता है, एक्सीड करता है. स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री कितना क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है. एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, मीन्स हमने पॉजिटिव साइन यहाँ पे यूज़ किया. अब यहाँ से अगर आप देखिए, दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू 18. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. अब क्या कर देंगे, बाय विच मैथड, बाय एलिमिनेशन मैथड, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू. एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को अगर आप ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से आपको 18 डिग्री यहाँ से मिलेगा. एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को ऐड करोगे, x प्लस एक्स दिस विल बिकम 2x, y माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम 8, ये आपको क्या मिलेगा 9 और ये आपको मिलेगा 198. तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 198 अपॉन 2. तो दिस विल बिकम 2 9 18 एंड अगेन 2 9 18. तो जो लार्जर एंगल मिला, लार्जर एंगल आपको मिल गया 99 डिग्री लार्जर एंगल आपको मिल गया. अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. देयरफोर x की वैल्यू 99 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री. दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस y इज इक्वल टू 18 माइनस 99. दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 एंड 8. दिस यहाँ से आपको ये मिल गया माइनस 81, ये आपका कैंसिल आउट हो गया. दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 81 डिग्री. तो ये आपको लार्ज स्मॉलर एंगल मिल गया. तो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉलीगॉन. अब नेक्स्ट जो है आपके पास, जो है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्रॉब्लम्स देखें, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉलीगॉन मतलब कि अब हमारे पास कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी. प्रॉब्लम नंबर वन आपके पास क्या है, फाइंड द फोर एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल ए, इन विच ये आपके पास एंगल ए है. एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल्स टू y प्लस 5 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल्स टू 2y प्लस 15 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 4x माइनस 7 डिग्री. इन द प्रीवियस क्लास, आई थिंक क्लास 9th में आप लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पर बेसिकली देखिए कौन सा रिजल्ट हम यूज़ करेंगे. कि हमने कंसीडर किया, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. हमने कंसीडर क्या किया कि लेट ए बी सी डी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो आपका प्रॉपर्टी होता है, ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर देखिए ए और सी है और यहाँ से क्या है, बी और डी है. तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री होते हैं मीन्स कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से अगर आप, ठीक है, और एंगल ए की अगर आप वैल्यू देखिए तो एंगल ए इज योर 2x माइनस 1 प्लस एंगल सी की वैल्यू अगर आप देखिए 2x माइनस 1 डिग्री. एंगल सी की वैल्यू अगर आप देखिए तो 2y प्लस 15 ठीक डिग्री इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री. दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस विल इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, यहाँ से अगर आप देखिए 15 माइनस 1 14 यहाँ से माइनस 14 हो जाएगा. एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिला
ये आपको मिल गया 6, एंड यहाँ से आपके पास हो गया 6 अगेन, एंड यहाँ से अगेन आपके पास क्या हो गया 166, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट अगर आप क्या कर देते हैं इस इक्वेशन में बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये इक्वेशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा, तो हमारे लिए इजी होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 8 16, 2 3 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिला। अब फिर अगेन हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यू कैन से दैट कि एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगेन कंडीशन हम टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वॉट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, एंगल बी इज योर वाई प्लस 5 डिग्री, एंड प्लस एंगल डी के प्लेस पे 4x माइनस 7 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पहले हम x को कंसीडर करते हैं, 4x प्लस y यहाँ से माइनस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 4x डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180, और ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 182। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यू कैन सी दैट कि अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो इजिली अप्लाई कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज द कोफिशियंट ऑफ वाई आर सेम इन बोथ द इक्वेशंस। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 में से अगर आपने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, तो हियर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 83 ये आपको मिला, और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। अब सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करिए, ये सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए ये प्लस होता है तो माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था 182 डिग्री के साथ, तो यहाँ पे आपको माइनस मिल गया। अब आपके पास यहाँ पर है माइनस 3x, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, दिस विल बिकम, यहाँ से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो ये आपको मिल गया दिस, एंड और अगर आप यहाँ से और भी सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो आपको ये मिल जाएगा, आई थिंक ये मिल गया आपको 99 डिग्री। एंड सिंस द बिगर साइन आपके का किसके पास है, बिगर नंबर के पास, नेगेटिव साइन बिगर नंबर के पास है, दैट इज़ माइनस 182 डिग्री के पास है, तो ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड 3x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री अपॉन 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9, तो आपके पास x जो है, x आपको मिल गया 33 डिग्री। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 83 डिग्री, x की वैल्यू 33 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 83 डिग्री, दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 83 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आपको y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा आई थिंक 50 डिग्री आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल गई और आपको y की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही x और y की वैल्यू मिली और जैसे ही x और y की वैल्यू आपको मिल गई, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर एंगल ए इज इक्वल टू आपके पास क्या था बेटा, 2x डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 33 डिग्री माइनस 1, तो एंगल ए इज इक्वल टू 66 माइनस 1, तो एंगल ए इज इक्वल टू आपको 65 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम एंगल बी की वैल्यू की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू योर वाई प्लस 5 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू अगर आप देखें तो एंगल बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू वाई प्लस 5 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आपको मिली 50 प्लस 5, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। नाउ अब हम क्या चलते हैं, हम लोग देखते हैं एंगल सी की वैल्यू, तो एंगल सी इज इक्वल टू 2y प्लस 15 डिग्री,
तो एंगल सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 15 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 52 ज 100 प्लस 15, और ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, 100 आपको क्या मिल जाएगा 15 डिग्री, एंड यहाँ से और नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 4x माइनस 7 डिग्री, मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 33 माइनस 7 डिग्री, सो एंगल डी इज इक्वल टू 4 3 ज़ 12 और 113 माइनस 7, तो एंगल डी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 125 डिग्री। तो ये आपकी एंगल्स हो गए। क्वेश्चन आपका क्या था, आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स गिवन थे आपको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइक्लिक एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 डिग्री, सी इज इक्वल्स टू वाई डिग्री, आपसे क्या कहा जा रहा है, और एंड ऑल्सो कंडीशन इज गिवन दैट एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल्स टू 9 डिग्री, फाइंड द थ्री एंगल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो देखिए अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, सिंस बेसिकली अगर हम देखें, सिंस दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सो वी कैन से दैट कि इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में अगर आप देखिए तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एक्स डिग्री प्लस बी मीन्स 3x माइनस 2 डिग्री, 3x माइनस 2 डिग्री एंड प्लस सी, एंगल सी इज इक्वल टू वाई डिग्री इज इक्वल टू 180, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x प्लस 3x 4x, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 182, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन इट इज ऑल्सो गिवन दैट एंगल सी माइनस एंगल बी, ये गिवन पोर्शन है आपका, क्या है गिवन पोर्शन, एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी बेटा, एंगल सी की वैल्यू y डिग्री माइनस एंगल बी की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या है आपके पास, 3x माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री। दिस विल इम्प्लाइज दैट अगर आप देखिए y डिग्री माइनस 3x डिग्री माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री, दिस विल इम्प्लाइज दैट y माइनस 3x डिग्री इज इक्वल टू 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन बोथ द इक्वेशंस यू कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ y इज सेम, तो वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन नंबर 4x plus y इज इक्वल टू 182 डिग्री एंड माइनस 3x plus y इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया, 7 डिग्री मिल गया। तो यहाँ से अगर आप बेटा देखिए तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से अगर आप देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये था, इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास था, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास अगर आप यहाँ से देखिए तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए प्लस 4 प्लस 3 तो ये क्या बन गया, दिस विल बिकम 7x, और यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 175 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 175 डिग्री, दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 175 डिग्री अपॉन 7, इन दिस केस 7 क्या मिल जाएगा, 7 टू ज़ा 14 एंड 7 फाइव ज़ा आपको मिल गया 35, ठीक है। तो ये आपको हो गया, आपका मिल गया x इज इक्वल्स टू एंगल नंबर, x की वैल्यू आपको मिल गई। नाउ अब क्या करेंगे, आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर देखें, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
क्वेश्चन वन से अगर देखिए तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 182. तो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 182. वाई इज इक्वल टू 182 माइनस 100. सो वाई इज इक्वल टू 82 डिग्री आपको मिल गया. अब आपके पास क्या है? अब आपके पास है एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, क्या है 25 डिग्री मिल गया. एंगल बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3x माइनस 2. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 2 मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा 75 माइनस 2 73 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल टू वाई मीन्स 82 डिग्री. तो इस तरीके से आपके पास क्या मिल गए कि सारे ही एंगल्स आपको मिल गए. इस तरीके से एंगल ए भी मिल गया, एंगल बी भी मिल गया, एंगल सी भी मिल गया. अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू वाई डिग्री. इफ 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी कैन राइट दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी क्या है? बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री, इज 180 डिग्री. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एंगल एक्स प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. 3x प्लस एक्स 4x डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया. नाउ अनदर कंडीशन इज 3y माइनस 5x इज इक्वल टू, अनदर कंडीशन आपको गिवन है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, अब अगर इसको हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं. तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा, माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 30 डिग्री मिल गया बेटा. अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन में किसी एक को एलिमिनेट करना है. तो एलिमिनेट करने के लिए हम सपोज करिए इस बार एक्स को एलिमिनेट करते हैं. तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ही इक्वेशन में अगर आप देखिए तो आपके पास क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, कोफिशियंट सेम होना चाहिए. चलिए अच्छा वाई एक्स को ही एलिमिनेट कर देते हैं. तो अगर आप देखिए तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस इक्वेशन में हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 में. तो 5 4 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 5, अगर आप देखिए तो यहाँ से 90 और ये आपका 0 हो गया. और यहाँ से अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x प्लस 4 3 12y इज इक्वल टू 4 3 12, और ये आपको मिल गया. अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखिए, इक्वेशन 3 बन गई, इक्वेशन 4 मिल गया. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ऐड कर दीजिए तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आपको मिलेगा 17y इज इक्वल टू 02, और ये आपको मिल गया 10. ठीक है, y इज इक्वल टू अगर आप देखिए तो 1020 अपॉन 17 मिला. आई थिंक 17 6 अगर होता है शायद 102 102, और ये 60. तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 60 डिग्री मिल गया. y की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई. अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पुट द वैल्यू ऑफ x, सो पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन 1 है, 4x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180. 4x डिग्री प्लस y मीन्स 60 डिग्री इज इक्वल टू 180. 4x डिग्री इज इक्वल टू आपको यहाँ से 180 माइनस 60, यहाँ से क्या मिल गया 120. तो 4x इज इक्वल टू 120. 4x is equals to 120. This will implies x is equals to 30 degree. x की value 30 degree मिल गई और y की value आपको मिल गई 60 degree. और अब अगर यहाँ से आप देखिए तो हम चेक करेंगे. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है बेटा,
क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल को हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर आप देखिए तो एंगल ए इज इक्वल्स टू आपके पास था x डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू बेटा आपके पास था 3x डिग्री और एंगल सी इज इक्वल्स टू आपके पास था y डिग्री. तो फ्रॉम दिस केस यू कैन से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू x डिग्री मीन्स 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 3 × 30 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू y डिग्री मीन्स 60 डिग्री. ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया. तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 90 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 60 डिग्री. तो मीन्स हमको क्या मिल गया, एक हमें ऐसा ट्राइंगल मिला जिसमें एंगल बी की जो वैल्यू थी, एंगल बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 90 डिग्री मिल गई. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. इज इट क्लियर? फिर इसके बाद यहीं से हम इसको स्टॉप करते हैं.